आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कोडरमा पोस्ट ऑफिस में बैठे एजेंटों के द्वारा फॉर्म भरने के नाम पर की जा रही 50 रुपए की वसूली। सरकारी ऑफिस में बैठे सरकारी बाबू के शह पर प्राइवेट एजेंट के द्वारा ग्राहकों से फॉर्म भरने के एवज में 50 रुपए करके उगाही करना सरकारी पोस्ट ऑफिस के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी हां, एक ऐसा ही वाक्य सामने आया है कोडरमा पोस्ट ऑफिस का। पोस्टल विभाग के अधिकारी चाहे जो कहे, लेकिन एक गैर सरकारी आदमी को पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठकर ग्राहकों से 50 रुपए करके वसूली करवाना कितना उचित है, इसका जवाब पोस्टल विभाग को सार्वजनिक करना चाहिए। बता दें कि कोडरमा पोस्ट ऑफिस में बैठे एजेंटों के द्वारा पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के नाक के नीचे किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने के नाम पर 50 रुपए की वसूली की जा रही है। मंगलवार को करीब 2 बजे कोडरमा थाना क्षेत्र के पांडेडी की रहने वाली आरती देवी नामक एक महिला कोडरमा पोस्ट ऑफिस पहुंची थी, जहां एजेंट महेश जी के द्वारा फॉर्म भरने के नाम पर 50 रुपए लिए गए। आरती देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा यहाँ खाता खुला हुआ है जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसे निकालने आई थी, जिसके लिए फॉर्म भरना था, जिसे एजेंट महेश जी ने भरा और इसके एवज में 50 रुपए की मांग की। मैंने 20 रुपए देना चाहा, परंतु इन्होंने नहीं माना और मुझे 50 रुपए देने पड़े। जब फॉर्म भर रहे एजेंट महेश जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, इसीलिए फॉर्म भरने के एवज में जो भी मिलता है मैं ले लेता। वहीं जब उनसे कहा गया कि आप सरकारी कार्यालय में बैठकर खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, तब वह बगले झांकने लगे। जब इस मामले पर कोडरमा पोस्ट ऑफिस SSP वरुण कुमार से बात की गई तो वह कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। कोडरमा से काशिफ अख्तर की रिपोर्ट। फर्स्ट टाइम 500 रुपया लगता है क्या सर? क्या फर्स्ट टाइम 500 रुपये जो उसमें अटैच किए हैं? अच्छा, और 500 वाला? अच्छा, सेविंग वाला है। तब 50 रुपये कहे लिए इनसे? 50 रुपये किस चीज़ का? वो किस चीज़ में जाएगा ये 50 रुपया? नहीं नहीं, 50 रुपये आप लिए ना, कहे लिए, किस लिए दिए? भरे फॉर्म इसलिए। अच्छा, तो 50 रुपये कितना मांग रहे थे सर? 50 रुपये। आप तो आप कितना दे रहे थे? 20 रुपये बोले। 20 रुपये बोल रहे थे, कहे सर? हम कोई सरकारी अधिकारी नहीं है सर, समझ लो। जो सरकारी कार्यालय में बैठ करके आप ले रहे हैं, अधिकारी नहीं है, छोड़ दीजिए, कार्यालय में है ना, सरकारी कार्यालय है। चलिए ठीक है।